उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। उसमें आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फॉर्म भरने के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फॉर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30,000 रुपए प्रति महीना, जबकि YouTube वीडियो शॉर्ट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए रखा गया है। यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर रही है। अभी तक IT एक्ट की धारा 67E और 67F के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।